हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारा स्टेशनरी कलेक्शन, जो कि आज है मेरे पास पूरा बास्केट भर के लेटेस्ट स्टेशनरी। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगे उसके लिए ज़रूर एक थम्स अप दे देना, और जो भी प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी बताना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आज मेरे पास है यहाँ पे ये एक मोबाइल फ़ोन, जो कि है पिंक कलर का, और ये देखिए ये बिल्कुल आईफोन जैसा लग रहा है। इसके ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है 9:41, और साथ ही साथ यहाँ पे सारे हमें ऐप्स भी मिल रहे हैं, मैसेज, कैलेंडर, फोटो, कैमरा, यूट्यूब, जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और सारे ऐप्स। और ये एक इरेजर है जो कि यहाँ पे है मोबाइल फ़ोन के लुक में, तो ये एक आईफोन के लुक में ये एक इरेजर जो कि है यहाँ पे पिंक कलर की। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक अमेजिंग सा छोटा सा मुर्गी, जो कि यहाँ पे है मल्टीपल कलर्स में। देखिए इसके यहाँ पे जो है रेड कलर के बाल हैं, इसका आईज भी बहुत क्यूट लग रहा है, और ये येलो, ब्लू एंड पर्पल कलर के लुक में। और ये एक शार्पनर है, जी हाँ, यहाँ से आप अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। और ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है, जिसमें आपका सारा डस्ट कलेक्ट हो जाएगा, और उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे इसके हेड को यहाँ हम अलग कर देंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये शार्पनर जिसमें हमारा सारा डस्ट कलेक्ट हो रखा है, और इसको हम क्लीन कर सकते हैं, और इसको वापस जोड़ देंगे, और ये वापस रेडी हो गया है ना, अमेजिंग। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक ये ग्रीन कलर का पेन जैसा दिखने वाला इरेजर, और ये देखिए इसके ऊपर डायनासोर भी लिखा हुआ है, और डायनासोर की पिक्चर भी बनी हुई है, जो कि एक लड़की ने डायनासोर कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सो ये एक इरेजर है जो कि पूरा पेन के लुक में है। इसको बैक साइड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी इरेजर, जिससे हम यहाँ पे ईजिली इरेज कर पाएंगे, और वापस से इसको प्रेस करके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। सो ये एक अमेजिंग यहाँ पे डायनासोर लुक वाला क्यूट सा ये एक इरेजर पेन। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक पेंसिल बॉक्स, जो कि है यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर की, और ये पूरी है वंडरफुल मोमेंट्स वाली, जिसके ऊपर बनी हुई है बहुत प्यारी सी ये ओशन जैसे लुक, जिसके ऊपर एक पैंडा भी है, और ये देखिए ये वाइट कलर का पेंडा जैसा लुक, और बैक साइड पे भी सेम लुक हमें मिलता है। और फ्रंट लुक पे आप देखोगे तो ये देखिए कितने सारे स्टार्स भी इसके अंदर है, जो कि यहाँ पे मूव भी कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे उल्टा करेंगे तो सारे स्टार्स यहाँ पे मूव करने लग जाएंगे। सो चलिए इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पे ओपन करते हैं बैक साइड से, तो ये है बैक साइड, और इसको ओपन करते ही यहाँ मिल जाता है ये एक अमेजिंग सा क्लास स्केड्यूल, जिसमें हम अपने यहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें पेंसिल रखने के लिए स्पेस मिल जाती है, जिसमें हम अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ ईजिली रख पाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारी स्पेस आपकी यहाँ पे वर्क कर जाएगी। नेक्स्ट हमें इसमें मिलता है एक शार्पनर, जो कि है यहाँ कॉर्नर्स में, और ये शार्पनर हमें मिल जाता है जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है फ्रंट लुक, इसको ओपन करते ही मिलता है कुछ ऐसा लुक, और ये शार्पनर आप देखिए यहाँ पे आपकी पेंसिल शार्पन करने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद ये देखिए ये है पूरा एक ट्रांसपेरेंट लुक शार्पनर, जो कि पूरा यहाँ पे डस्ट कलेक्टर भी है। इसको इजीली ओपन करके सारा डस्ट क्लीन कर सकते हैं, और वापस से हम इसको बंद कर लेंगे। सो ये एक डस्ट कलेक्टर नॉर्मल शार्पनर। और यहाँ पे मिलता है ये एक हमें पेंसिल होल्डर, जिसमें सारी पेंसिल्स, पेन सब अटैच हो जाएगा, और ये एक और छोटा सा कंपार्टमेंट जिसमें हमारा शार्पनर, इरेजर सब यहाँ आ जाएगा। सो ये ओवरऑल प्यारा सा एक पेंसिल बॉक्स है ना, अमेजिंग। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है एक और शार्पनर, जो कि है ये वाला, और ये है येलो एंड वाइट कलर का। ये छोटा सा बनी जैसा दिखने वाला शार्पनर, जो कि येलो एंड वाइट कलर में है यहाँ पे, और इसमें हमें मिलता है ये बैक साइड में शार्पनर, जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं, और इसको इजीली ओपन करके डस्ट को बाहर फेंक सकते हैं। सो ये एक ईजिली क्यूट सा ये बनी लुक का शार्पनर। नेक्स्ट है मेरे पास ये एक प्यारा सा कुकी का पैकेट, जो कि है खाने वाली कुकीज़, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और ये पैकेट भी कितना सुंदर लग रहा है, जो कि पूरा ब्राउन कलर का है। इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे पिक्चर्स बनी हुई है, जो कि यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बिल्ली जो कि कुकी लेके खड़ी है, और यहाँ पर एक और कुकी जिसके ऊपर एक बियर है, और ये कुकी इरेजर है, जी हाँ ये इरेजर है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पैक ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर हमें मिलेंगे बहुत सारी कुकीज़, जिसमें हम देखेंगे
कि हमें मिलती है बहुत सारी इरेजर्स। और ये देखिए कितनी सारी इरेजर्स हैं इस पूरे पैक में। और यहाँ पे है सारी लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर की इरेजर्स। ये हमारी कुकीज़, और ये बिल्कुल यहाँ पे हैंडमेड यहाँ पे लग रही हैं, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही हैं। सो ये सारी कुकीज़ जो कि बहुत अमेजिंग है ना, अमेजिंग। 1 2 3 4 5 6 6 6 कुकीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। और उसके बाद मेरे पास है ये अमेजिंग सा कैमरा जो कि है यहाँ पर ब्लू एंड येलो कलर का। और ये कैमरा, चलिए इससे फ़ोटो खींचते हैं, क्लिक क्लिक फ़ोटो खींचते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम फ़ोटो खींच लेंगे। और ये एक्चुअली में एक शार्पनर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके वी आई वोना गो होम। और ये देखिए, ये बिल्कुल कैमरा का लुक लग रहा है, जिसके बैक साइड में हमें ये मिल जाता है हैंडल, जिससे हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मेन बटन भी हमें मिलता है, जिसमें हम यहाँ पर वर्क करके देखेंगे। चलिए इस शार्पनर को जो है चालू करके यूज़ करके देखते हैं। सो ये मेरे पास एक पेंसिल है, जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और कुछ ऐसे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो है इस हैंडल को घुमा लेंगे। और ये देखिए, ये पूरा हैंडल हम घुमा रहे हैं, और यहाँ पे मेरी पेंसिल हो रही है शार्पन, जो कि हो गई है शार्पन, है ना, अमेजिंग। और ये है एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर, जिसकी बैक साइड पर हमें मिल जाएगा ये एक ड्रॉअर, जिसमें बहुत सारा डस्ट कलेक्ट हो चुका है। और ये सारा ड्रॉअर देखिए भर गया है इस डस्ट से। इसको हम कर देते हैं वापस बंद। ये हैंडल भी बहुत ईजी है आपके लिए यहाँ पे घुमाना। और यहाँ पे ये पूरा लुक भी बनी जैसा लग रहा है। सो ये एक शार्पनर जो कि है कैमरा के लुक में। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ये एक छोटा सा बियर, जो कि है एक इरेजर और एक शार्पनर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये बियर है, जिसके पीछे एक प्लास्टिक का बैग है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है शार्पनर, जिसमें सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे है ये पूरा एक बियर जो कि एक इरेजर है। सो यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं, और बैक साइड से हम यहाँ पे शार्पन कर सकते हैं। और ये बैग हटा करके सारा डस्ट क्लीन कर लेंगे। सो ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर और इरेजर का कॉम्बो। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ये एक छोटी सी डब्बी, जिसके अंदर मुझे मिलती है बहुत सारी स्माइली इरेजर। तो ये एक पूरा पैक है, जिसके अंदर इरेजर्स मिलती है। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर इरेजर्स भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये बहुत सारी इरेजर्स हैं। सो ये बहुत सारी इरेजर वाला एक पैक, इसको ओपन करते ही यहाँ पर मुझे मिलती हैं ये बहुत सारी इरेजर। इसको हम चलिए ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कितनी इरेजर मिल रही है। तो सबसे पहले तो इसमें स्माइलीज हैं। एक ये हंसता हुआ स्माइली, जिसके आँख से आंसू आ गया। एक ये 32 अपने दांत दिखाता हुआ स्माइली, और एक ये हैप्पी हैप्पी स्माइली। सो ये तीन डिफरेंट स्माइली लुक वाली ये सारी इरेजर्स हैं। सो इसमें मुझे मिलती है यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हमें 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ओवरऑल 13 इरेजर मुझे इस पूरे बॉक्स में मिल गई है, जो कि सारी स्माइली लुक की काफ़ी ज़्यादा थिक इरेजर्स हैं। सो ये बहुत अमेजिंग है, इससे तो मेरी पूरी पेंसिल बॉक्स ही भर जाएगी, इतनी सारी इरेजर्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक और इरेजर, जो कि है यहाँ पे चॉकलेट लुक के इरेजर। और ये देखिए, इसके ऊपर चॉकोलेट्स भी लिखा हुआ है, और ये है येलो कलर की, जो कि यहाँ पे इसके ऊपर मैंगो भी बना हुआ है, यानी ये मैंगो फ्लेवर वाली चॉकलेट इरेजर है। और ये पूरी बहुत बड़ी इरेजर है, इसको हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, और ओपन करते ही इसमें मुझे मिल जाएंगी ये 6 6 यहाँ पे चॉकलेट्स के पैक, जो कि यहाँ पे आपको 6 पेस में इसमें मिल रहे हैं, और इसके ऊपर नाइस भी लिखा हुआ है। सो इससे हम इजीली इरेज कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी इरेजर है, जो कि यहाँ पे चॉकलेट लुक में है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एक और इरेजर, जो कि है यहाँ ब्लू कलर की एवेंजर्स वाली इरेजर, जिसके ऊपर कैप्टन अमेरिकन की फ़ोटो बनी हुई है। सो ये एवेंजर का एक यहाँ पर कैरेक्टर बना हुआ है, और ये पूरी ब्लू कलर की इरेजर है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये एक लिपस्टिक की शेप में है, जिसके ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर की इरेजर और ये वाइट कलर का हार्ट बना हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, और देखिए ये ओपन एंड क्लोज करना कितना अमेजिंग है। इससे बार बार आप इरेज करके, फिर ओपन करके, यहाँ पे और इरेज करके, फिर हम वापस इंसर्ट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये यूनिकॉर्न की काफ़ी अमेजिंग पेंसिल पैक, जिसमें मुझे बहुत सारे यूनिकॉर्न की इरेजर्स और पेंसिल मिल रही है। और यहाँ पर मुझे मिलता है ये पूरा यूनिकॉर्न का लुक, जो कि है स्काई ब्लू लुक में, और इसके अंदर यहाँ पर इतनी सारी पेंसिल्स। चलिए ओपन कर लेते हैं सारी पेंसिल्स को। तो ये बहुत सारी पेंसिल्स इसके अंदर मिल रही हैं, और देखिए यहाँ पे ये सारी पेंसिल्स हैं यूनिकॉर्न के लुक में, जो कि हैं राउंड शेप पेंसिल्स। और यहाँ पे
जो है यहाँ पे हमें मिल जाती हैं इरेजर्स भी, जो कि हैं ब्लू कलर की इरेजर, और इसके ऊपर है ये सारा यूनिकॉर्न का लुक, बहुत सारे यूनिकॉर्न की पिक्चर्स इसके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे रेनबो, यूनिकॉर्न, मून सब कुछ बना हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक स्पायरल डायरी, जो कि है यहाँ पे बहुत अमेजिंग फ़िश के लुक में, और ये डायरी देखो कितनी प्यारी है, जो कि पूरी फ़िश के लुक जैसी दिख रही है। और इसके ऊपर ये हम यहाँ पे कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए ये आ गया ग्रीन कलर, और ये आ गया पर्पल कलर, और यहाँ पे है गोल्डन स्पाइरल्स, जो कि कितने अमेजिंग लग रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट लुक हमें मिलता है एक फिश की टेल का, जिसको ओपन करते ही मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे पेजेस, जो कि हैं ब्लू कलर के, और वो भी फिश की स्किन के डिज़ाइन के हैं। इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितना अमेजिंग डिज़ाइन हमें मिलता है और कितने सारे पेजेस मिलते हैं। सेकेंड हमें मिलती है यहाँ पे ये वाइट, लाइट पर्पल और डार्क पर्पल कलर के पेजेस, जिसपे यहाँ भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, और ये देखिए इसमें कितने सारे पेजेस हैं, इसमें भी हमें बहुत सारे पेजेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिलती हैं ये पिंक कलर के पेजेस, जिसमें हमें लाइट पिंक, डार्क पिंक और वाइट कलर मिलता है, और देखिए इसमें भी कितने सारे पेजेस हैं। सो ओवरऑल बहुत सारे पेजेस वाली ये एक क्यूट सी डायरी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एक ये पेंसिल बॉक्स, जो कि है डायनासोर का, और इसके ऊपर लव टू रीड लिखा हुआ है, और ये डायनासोर तो बुक पढ़ रहा है। और ये है हमारी तीन कंपार्टमेंट वाली पेंसिल बॉक्स, जो कि बहुत लेटेस्ट पेंसिल बॉक्स है। इसके बैक साइड पे आप देखिए ये पूरा स्काई ब्लू कलर है, और फ्रंट लुक पे भी है यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का पूरा लुक, और डायनासोर पढ़ाई कर रहा है। इसके फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमें मिल जाते हैं ये ढेर सारे स्केल, जिसमें मुझे सारे तरीके के स्केल मिलते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा लॉन्ग स्केल, जो कि है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट लुक में है, जहाँ पे मुझे जिगजैग लुक भी मिल रहा है। सो ये एक काफ़ी बड़ा स्केल। नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पर एक ये हमारे ट्राइंगल स्केल, जो कि यहाँ पर दो स्केल हैं, तो ये दो ट्राइंगल स्केल्स भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है ये डी स्केल, जिसमें हम यहाँ पर एंगल्स बनाते हैं, और ये लास्ट में एक स्टेंसिल, जो कि बहुत बड़ी स्टेंसिल है, और ये स्केल भी है। देखिए इसमें हमको सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट सारे शेप्स मिल रहे हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक स्टेंसिल, और देखिए ये हो गया है पूरा बॉक्स खाली। इसमें हम आपकी जो है इरेजर, पेंसिल भी रख सकते हैं, अगर आपको स्केल नहीं रखना तो आप इसमें अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सेकेंड कंपार्टमेंट हमें मिलता है ये वाला, जिसको ओपन करते ही हमें मिल जाती हैं यहाँ पर अपनी पेंसिल होल्डर्स, जिसमें हम अपनी पेंसिल्स रख सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने रख पाएंगे इरेजर्स, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है ये लिपस्टिक इरेजर, वो भी देखिए कितना अमेजिंगली आराम से इसमें आ गई है, और यहाँ पे मेरी स्माइली इरेजर्स तो सारी आ जाएंगी, और इसमें हम अपनी पेंसिल्स अटैच कर सकते हैं। इसको करते हैं बंद, दूसरी साइड से भी ये पूरा पैक इसी तरीके से खुलता है, जिसमें हमें एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है। सो चलिए दूसरे कंपार्टमेंट को भी ओपन कर लेते हैं। सो दूसरा कंपार्टमेंट ये हमारा खुल गया, जिसमें हम अपनी पेंसिल्स यहाँ पे देखिए आराम से रख लेंगे, और देखिए कितनी सारी पेंसिल्स उसमें मेरी आ गई हैं, ऑलरेडी बहुत सारी पेंसिल्स आ गई हैं, और अभी भी स्पेस है। ये देखिए इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स मेरी आ गई, और यहाँ पे तो मेरे इरेजर और शार्पनर भी आ जाएंगे, है ना अमेजिंग। इसको भी कर देते हैं बंद। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये छोटा सा स्टेशनरी सेट, जो कि है यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन कलर का स्टेशनरी सेट, और हैप्पी डे भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसके ऊपर बने हुए हैं छोटा सा पेंगुइन, छोटा सा बियर, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे यूनिक कैरेक्टर्स बने हुए हैं, और बैक साइड में यहाँ पे पूरा ये लुक कुछ ऐसा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही कुछ ऐसा लुक हमें मिलता है, जिसमें हमें मिलती है पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर और यहाँ पे क्रियॉन्स। चलिए पहले पेंसिल्स देख लेते हैं। सो ये चार पेंसिल्स हमें इसमें मिल रही है, ये हमारे को ये 1 2 3 और ये हमारी फोर्थ पेंसिल, और ये देखिए ये सारी पेंसिल्स हमें मिलती हैं राउंड शेप में, और इस पर ये सारे थीम कैरेक्टर्स बने हुए हैं, जो कि है स्काई ब्लू कलर का, और इस पर देखिए सारे थीम्स भी बने हुए हैं, है ना प्यारी सी। नेक्स्ट यहाँ पे है ये एक इरेजर, जो कि है वाइट कलर की इरेजर, और इसके ऊपर भी बनी हुई है ये छोटा सा टेडी बियर, जो कि बड़ा ही क्यूट लग रहा है। इसके बाद मिलता है यहाँ पे मुझे ये एक शार्पनर, जो कि है स्काई ब्लू कलर का
शार्पनर और इसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन करके ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे इसमें मिलते हैं ये 6 क्रियॉन्स जो कि हैं छोटे छोटे डिफरेंट कलर के क्रियॉन्स, ये पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ रेड एंड येलो, और ये हम अटैच करके एक पेन की तरह बना देंगे। ये देखिए इतना एक क्यूट सा है जो कि यहाँ पे हमारा सारा पेन की तरह बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा पेन है ना, अमेजिंग। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक अमेजिंग मल्टी बटन्स वाला पेंसिल बॉक्स जो कि है यहाँ पे स्पेस लुक का, और ये भी है पूरा स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर के लुक का। ये देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर के लुक, जिसके बैक साइड में पूरा यूनिवर्स बना हुआ है और ये एस्ट्रोनॉट्स भी बने हुए हैं, और फ्रंट लुक पे भी सेम पिक्चर्स हमें दिख रही है। चलिए पहले बैक साइड से ओपन करते हैं। तो ये है बैक साइड, और इसमें देखिए ये स्काई ब्लू एंड वाइट कलर का पूरा लुक जिसमें हम अपने पेंसिल्स, इरेजर सब रख सकते हैं। और फ्रंट लुक में हमें मिल जाता है यहाँ पे ये एक शार्पनर जो कि मिलता है एक अमेजिंग डस्ट कलेक्टर शार्पनर। ये बटन प्रेस करते ही ये डस्ट कलेक्टर शार्पनर है जिसमें ये सारा हमारा डस्ट इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम अपनी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर, इसको वापस बंद कर देते हैं। ये है फ्रंट लुक, जिसको ओपन करते ही यहाँ मुझे मिलता है एक छोटा सा कैलकुलेटर। ये देखिए ये प्यारा सा कैलकुलेटर हमें इसमें मिल जाता है, और इसको हम वापस से यहाँ पर फ्लिप करके फ्रंट लुक में भी ला सकते हैं। सो कुछ ऐसी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स दिखेगी। सो यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेटर आप यहाँ पर फ्रंट लुक में भी रख सकते हैं, या फिर इसको इंसर्ट करके अंदर भी ले सकते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ मिल जाती है मुझे बहुत प्यारी स्पेस जिसमें हम अपने यहाँ पे शार्पनर और इरेजर रख सकते हैं, और इसमें मैं अपनी पेंसिल्स अटैच कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये पेंसिल्स ऐसे अटैच हो जाएंगी, और जो भी पेंसिल आपको निकालनी है आप उसका बटन प्रेस कीजिए और वो पेंसिल अपने आप यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, जिसको आप ईजिली निकाल सकते हैं और इसको वापस बंद कर सकते हैं। चलिए एक और इसमें दिखाते हैं। जैसे यहाँ मैंने पेंसिल डाली, ये बटन प्रेस किया और ये पेंसिल इजिली निकल गई। सो ये बहुत प्यारा पूरा पेंसिल कलेक्शन इसमें आपका आ जाएगा। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक इरेजर कलेक्शन जो कि है एक इरेजर का पैक, और ये तो बहुत अमेजिंग कैंपेनिंग वर्ल्ड इरेजर है जो कि कैंपेनिंग के लिए जाते हैं वैसी वर्ल्ड इरेजर। और चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करते ही इसमें मुझे मिलती है अमेजिंग अमेजिंग अलग अलग लुक के यहाँ पे इरेजर। चलिए ये पूरी मेरा पैक ओपन हो गया है, और ये ओपन होते ही देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, ये हो गया पूरा जो है पैक ओपन। और देखिए ऐसा ये कैंपेनिंग करती हुई ये प्यारी सी लड़की। सबसे पहले ये हमें मिलता है फायर, जो कि यहाँ पे दो लकड़ियों के ऊपर फायर लगी हुई है, ये देखिए रेड एंड येलो कलर की, और ये फायर लुक वाला ये इरेजर। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक छोटा सा टेंट लुक का इरेजर जो कि है ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर का, और ये छोटा सा यहाँ पे इरेजर जो कि यहाँ पे आपकी टेंट लुक का है जिसका एंट्रेंस यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक छोटी सी आपकी बॉटल जो कि है पानी की बॉटल, ये देखिए यहाँ पे पानी भरेंगे क्योंकि कैंपेनिंग के लिए जाना है तो वाटर भी तो चाहिए, तो ये वाटर बॉटल। नेक्स्ट यहाँ पे है ये डायरेक्शन वाला बोर्ड जिसमें हमारे डायरेक्शन लिखे होते हैं, सो ये वो वाला बोर्ड है। नेक्स्ट इसमें और भी दो इरेजर्स हैं, ये देखिए सबसे पहली इरेजर यहाँ पे है ये एक बैग इरेजर जो कि है ग्रीन एंड येलो कलर का बैग छोटू सा। नेक्स्ट ये है एक रेलगाड़ी जैसा लुक का, और यहाँ पे जो है नहीं ये रेलगाड़ी नहीं, सॉरी ये तो कैमरा है, मुझे लगा ये रेलगाड़ी है बट ये कैमरा है। और ये कैमरा लुक यहाँ पे क्योंकि हम कैंपेनिंग जा रहे हैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास बचा है एक ये पीपा पिक का पैक जो कि है यहाँ पे पूरा स्काई ब्लू कलर का पैक जिसमें हमें मिलते हैं पीपा पिक के स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। देखिए इसके अंदर कितना सारा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करते ही ये देखिए यहाँ पर हमें मिलते हैं ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले मिलता है ये एक ज्योमेट्री बॉक्स जो कि है यहाँ पे पीपा पिक के लुक का, और जिसके बैक साइड पे टेबल्स भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मिल जाता है ये पीपा पिक की पूरी फैमिली। इसको ओपन करते ही ये है बिल्कुल प्लेन सिंपल पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक स्टेंसिल जो कि है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग वाली, और इसके ऊपर भी पीपा पिक की फैमिली बनी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पे सन, यहाँ पे मून, स्टार सब दिख रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे मुझे मिल रही है ये तीन तीन पेंसिल्स जो कि हैं पीपा पिक की ही अमेजिंग पेंसिल्स। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी ये प्यूरी पूरी जो है लुक वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिलता है एक ये छोटा सा डायरी जो कि है पीपा पिक की डायरी, और ये स्काई ब्लू कलर की डायरी जिसमें हमें मिलते हैं ये बहुत सारे पेजेस, और इसमें आप बहुत कुछ नोट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें मिलता है एक शार्पनर ब्लू कलर का और एक ये वाइट कलर की छोटी सी इरेजर जो कि है पीपा पिक के ही लुक में। तो गाइस कैसा लगा आज आपको हमारा ये पूरा स्टेशनरी कलेक्शन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।